हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीवन। मैं वेलकम करती हूँ आपका आपके ही चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। हमारा टॉपिक है हैंड जेस्चर, यानी कि इशारे। जब हम अपने हाथों के जरिए अपने हाव भाव को, अपनी फीलिंग को किसी को बताते हैं, उसे बोलते हैं हैंड जेस्चर। जैसे कि हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही रहा है कि हैंड जेस्चर का कितना यूज़ हो रहा है। आज इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इनका क्या मतलब होता है और इन्हें कहां यूज़ किया जाता है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विक्ट्री हैंड, हिंदी में से कहते हैं विजयी हाथ। आप इस हाथ की दोनों उंगलियों को देख सकते हैं कि वी बना हुआ है, वी से जहां पर हो गया विक्ट्री हैंड। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको इसका यूज कब और कैसे करना है। इस तरह आप फिंगर तब दिखा सकते हैं जब आप किसी की जीत की कामना कर रहे हों, या फिर किसी ने कोई जीत प्राप्त की है, तो आप उसको ऐसे फिंगर दिखा सकते हैं। जब आप किसी चीज़ में जीत गए हैं तो आप इस इमो को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिंग हैंड्स, हिंदी में इसे कहते हैं ऊपर उठे हुए हाथ। फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ कब और कैसे करना है। आप इसका यूज़ तब करते हैं जब आप अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए जिसे देखकर आप अपनी खुशी को दूसरों के सामने जाहिर कर सकते हैं। इस तरह आप अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं तो तब भी आप इस तरह हाथों को ऊपर उठाकर अपनी फीलिंग को बता सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट हैंड, हिंदी में इसे कहते हैं ऊपर उठा हुआ हाथ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। ज़्यादातर लोग इस तरीके का हाथ तब दिखाते हैं जब उन्होंने किसी को कहना हो कि रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। इस हैंड जेस्चर का यही मतलब भी है। अगर आप किसी को रोकना चाहते हैं तो इस तरीके का हाथ दिखा सकते हैं। या फिर इसका दूसरा यूज़ ये है कि अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो इस तरीके का हाथ दिखा सकते हैं। आपको याद होगा जब हम सभी स्कूल में जाते थे, या फिर जो स्कूल में जा रहे हैं, तो क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, तब हम इस तरीके के हाथ उठाते थे। इसका फर्स्ट यूज़ हो गया रुकने के लिए, और सेकंड यूज़ हो गया आपके मन में जो भी सवाल है उसे पूछने के लिए। नेक्स्ट है ओपन हैंड्स, हिंदी में इसका मतलब है खुले हुए हाथ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों हाथ खुले हुए हैं। इन हाथों की खासियत ये है कि ये दोनों हाथ एक दूसरे के पास भी हैं। आपने इमोजी भी देखा होगा जिसके दोनों हाथ खुले हुए होते हैं। इस तरीके के हैंड जेस्चर का यूज़ तब किया जाता है जब आपने ये दिखाना है कि हम हग करना चाहते हैं, यानी कि हम आपके गले लगना चाहते हैं। जब आपको ये फीलिंग बतानी है तो आप इस तरीके के हाथों का इशारा कर सकते हैं, ये वाला हैंड जेस्चर भेज सकते हैं किसी को ये बताने के लिए कि आप उसके गले मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है वेविंग हैंड, जिसका हिंदी में मतलब है लहराता हुआ हाथ। बहुत से लोग इसका यूज़ थप्पड़ मारने की सेंस में करते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इस हैंड जेस्चर को यूज़ करके हम किसी को हेलो कह सकते हैं, और आपको पता ही है कि जब हम किसी को हाय हेलो बोलते हैं तो अपना हाथ लहराते हुए बोलते हैं। या फिर आप किसी को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं तो भी आप इस तरह हाथ लहरा सकते हैं। चैटिंग में आप इसे थप्पड़ मारने की सेंस में मत यूज़ करें। आप इसका यूज़ केवल हाय हेलो बोलने के लिए, या फिर टाटा बाय बाय बोलने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लैपिंग हैंड्स, हिंदी में इसका मतलब है ताली बजाने वाला हाथ। आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ तब कर सकते हैं
जब आपने किसी को सक्सेस पर या फिर कोई ऐसी बात जिस पर आप किसी को बधाई देना चाहते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं, तो आप उस सेंस में ये हैंड जेस्चर यूज़ कर सकते हैं या फिर ये क्लैपिंग हैंड इमोजी उसे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है थम्स अप। इसका हिंदी में मतलब है उठा हुआ अंगूठा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अंगूठा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसका यूज़ हमें कब और कैसे करना है आप वो देख लीजिए। इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमें किसी बात को लेकर सहमति दिखानी है, या फिर कहना है कि ठीक है, या फिर काम हो गया है, तब भी हम इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें किसी चीज़ को लाइक करना है, हमें कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी लगती है, तब हम इन सभी चीज़ों के लिए थम्स अप वाला हैंड जेस्चर ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो नीचे वाले थम्स अप को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी इनकरेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थम्स डाउन। इसका हिंदी में मतलब है अंगूठा नीचे की तरफ दिखाना। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अंगूठा नीचे की तरफ है। इसका यूज़ किस किस लिए करना है आप वो देख लीजिए। आपको इसका यूज़ उसके लिए करना है, यहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या फिर आपने किसी बात को लेकर किसी को इनकार करना है, यानी कि नो करनी है, तब भी आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप उसे डिसलाइक करना चाहते हैं, तो भी आप इस हैंड जेस्चर को उसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट है ओके हैंड, जिसका मतलब है ठीक है कहना है। यानी कि आप जब किसी को ठीक है कहना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपने हाथों को दिखा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अलग अलग देशों में इस हैंड जेस्चर का यूज़ भी अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में जब हमने किसी को बहुत ही अच्छा कहना हो, शानदार कहना है, या फिर गजब का कहना है, उस सेंस में हम इस तरीके से हाथ दिखाते हैं। टोटल मिला के इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को ओके कहना चाहते हैं, यानी कि ठीक है कहना चाहते हैं, तब इस हैंड जेस्चर का यूज़ आप कर सकते हैं। जब आपको किसी की लुकिंग ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोल्डर हैंड्स। इसका मतलब भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, अलग अलग सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इंडिया में इसका यूज़ नमस्ते करने के लिए किया जाता है, वैसे ही और देशों में इसका यूज़ किसी को थैंक यू कहने के लिए या फिर किसी से माफ़ी मांगने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस सेंस में आप इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस्ड फिंगर्स। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे एक फिंगर दूसरी फिंगर को क्रॉस कर रही है। क्रॉस फिंगर के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। इस तरीके से फिंगर को क्रॉस करने का मतलब ये होता है आप अपने काम में सफलता की कामना करना। यानी कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता चाहिए, तो आप गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि आपको इस काम में सफलता मिले। उस टाइम आप इस तरह उंगलियों को क्रॉस कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि गुड लक और प्रे के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पलम्स अप टुगेदर, जिसका हिंदी में मतलब होता है हथेलियाँ। आप इमेज में देख ही सकते हैं कि कैसे दोनों हथेलियाँ ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे यूज़ करना है। इस तरह दोनों हथेलियों को ऊपर उठाने के भी कई मतलब होते हैं। जैसे कि इसका पहला मतलब ये है कि आप उनको किताबों को खोलने के लिए कह रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, यानी कि पैसे वगैरह उधार लेना चाहते हैं, उस सेंस में भी आप इस तरह हथेलियों को दिखा सकते हैं। तो इसका तीसरा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो भी आप इस इमोजी को उसको सेंड कर सकते हैं।
तो चलो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर फ्रेंड्स आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं, अगर आप अपने हाथों को बांधे नहीं रखते हैं, अपने हाथों को सीधा नहीं रखते हैं, बल्कि अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाव भाव बताने के लिए, तो फ्रेंड्स इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसका पहला बेनिफिट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा निखर कर सामने आती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आप आसानी से सामने वाले से कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। इसका चौथा बेनिफिट ये है कि आपकी बातों की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी बातों में और भी ज़्यादा दम आ जाता है, सामने वाला आपसे बोर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज से ही आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैसी बातें कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपने हाथ चलाने चाहिए। ये नहीं कि आप बात कुछ और कर रहे हैं और आपने हाथों का इशारा कहीं और कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।